हेलो वीवर्स इन दिस वीडियो वे टू टॉक अबाउट ओरिएंटलिज्म सो लेट्स बिगिन ओरिएंटलिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क्स बाय एडवर्ड सेट एडवर्ड सेट के द्वारा काफ़ी जो है सेलिब्रेटेड वर्क्स है जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है इट वॉज पब्लिश्ड इन नाइनटीन सेवेंटी एट या उन्नीस में पब्लिश हुई थी इन दिस वर्क ही टॉक्स अबाउट लिटरेरी स्टडीज़ वो बात करते हैं लिटरेरी स्टडीज़ के बारे में हिस्ट्री के बारे में जो इतिहास रहा है लिटरेचर का एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है तो द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स इसके बारे में भी वो बात करते हैं इसके अलावा सोशोलॉजी एंड रिलीजन यानी धर्म के बारे में भी ही एग्जाम वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स कि वेस्टर्न लोगों ने वेस्टर्न ऑथर्स ने किस तरह से कल्चर और सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया है ही ऑल्सो एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स वो लिटरेचर और पॉलिटिक्स के बीच के रिलेशनशिप को भी बताते हैं कि कैसा होता है हिज थियोरीज़ हैव इन्फ्लुएंस्ड अमेरिकन एकेडमिक सर्कल्स लॉट और अमेरिकन एकेडमिक सर्कल यानी जो जो भी स्कॉलर्स वगैरह हुए उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा इनकी थियोरीज़ ने दे आर मोस्टली अबाउट कल्चरल स्टडीज़ उनमें से जो ज़्यादातर हैं वो कल्चरल स्टडीज़ को लेकर हैं द सेंट्रल कंसर्न ऑफ ओरिएंटलिज्म इज़ द मल्टीपल रिलेशनशिप्स बिटवीन राइटिंग लैंग्वेज एंड पावर पावर का मतलब समझ ही रहे हैं पॉलिटिक्स सत्ता राइटिंग यानी जो लेखन है और लैंग्वेज इन तीनों के बीच का जो एक रिलेशनशिप जो है वो कैसा रहा है उसी की बात करते हैं ही हैज़ ट्राइड टू शो दैट हाओ वेस्टर्न जर्नलिस्ट्स फिक्शन राइटर्स एंड स्कॉलर्स हैव क्रिएटेड अ ट्रिवियल इमेज ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो ईस्टर्न वर्ल्ड है यानी हमारे कंट्रीज भी उसमें एशियन कंट्रीज भी आते हैं तो उस एरिया के कल्चर को किस तरह से उन लोगों ने दिखाया है रिप्रेजेंट किया है कौन लोग जैसे वेस्टर्न जर्नलिस्ट हो गए पत्रकार लोग या जो भी फ़िक्शन राइटर हैं और इस्कॉलर्स भी ज़्यादातर की बात कर रहे हैं वो सभी तो ऐसे नहीं है जैसे कि आपने ई एम फोस्ट का ए पैसेज टू इंडिया यदि पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें उन्होंने इंडियंस को एक तरह से गुड साइड की तरह दिखाया बट मोस्ट ऑफ द जो ब्रिटिश राइटर्स हुए यूरोपियन राइटर्स हुए या वेस्टर्न राइटर्स की बात कर लें तो उन्होंने ईस्टर्न कल्चर को हमेशा इन्फेरियर दिखाने का प्रयास किया है तो वो चीज़ को यहाँ पर इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है दे हैव सोन द ईस्टर्न कल्चर इन्फेरियर एंड डिसलाइकिंग मतलब उन्होंने ऐसे दिखाया है जैसे कि फालतू सा एक कल्चर है हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है दे हैव रफली यूज दीज रिप्रजेंटेशंस टू जस्टिफाई देम अपने आप को सही साबित करने के लिए बेहतर साबित करने के लिए अपने आप को सुपेरियर दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है अब देखिए इसका कारण एक ये भी है कि हम लोग उस पर आरोप लगाते हैं जो वेस्टर्न पीपल हैं खास करके जैसे इंग्लैंड की बात कर लें जिन्होंने हमें पर रूल किया हम कहते हैं कि उन्होंने हमारा एक्सप्लाइटेशन किया शोषण किया और वो लोग यह दिखाकर बचना चाहते हैं कि तुम लोग कभी अच्छे थे ही नहीं वो हमें इन्फेरियर दिखाना चाहते हैं और वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि तुम लोग आखिर डेवलप हो क्यों नहीं पाए क्योंकि तुम्हारा नजरिया तुम्हारा बेस फाउंडेशन बुनियाद ही सही नहीं था जबकि हमारी बुनियाद हमारी सभ्यता की बुनियाद से ही उनकी सभ्यता विकसित हुई इफ वी ट्राई टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द टाइटल अब टाइटल की मीनिंग की बात कर लें कि ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या है तो इट लिटरली रेफर्स टू द मिडिल ईस्ट एशिया एंड द फार ईस्ट मिडिल ईस्ट एशिया का हिस्सा और फार ईस्ट ईस्टर्न पार्ट के और आगे चले जाए अब तो उस एरिया को ये कवर करता है ओरिएंटलिज्म के अंतर्गत इन जनरल आमतौर पर देखा जाए तो द एरिया दैट दे हैड रूल्ड वंस वे उन एरियाज की बात करते हैं अक्सर उन्हीं को नीचा दिखाते हैं जहाँ उन्होंने रूल किया है जहाँ उन्होंने कभी शासन किया है सो द इंटेंशन ऑफ द ऑथर इज़ क्वाइट क्लियर दैट ही हैज़ क्रिटिसाइज्ड दैम तो इनका जो इरादा है वो काफ़ी स्पष्ट है कि इन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज किया है नाउ द क्वेश्चन राइज दैट वाई दे डू सो सवाल अब ये उठता है कि आखिर वेस्टर्न ऑथर्स वेस्टर्न जर्नलिस्ट्स वेस्टर्न राइटर्स ऐसा करते क्यों हैं क्यों हमें वो इन्फेरियर दिखाना चाहते हैं अपने राइटिंग्स में द आंसर इज क्वाइट सिंपल और जवाब इसका काफ़ी सामान्य शा है दैट दे वॉन्ट टू जस्टिफाई देयर इम्पेरियलिज्म में यहाँ पर पी छूटा हुआ है तो इम्पेरियलिज्म को वो जस्टिफाई करना चाहते हैं इम्पेरियलिज्म क्या है आप समझते होंगे कि उन्होंने कभी यहाँ का शासन किया ना एरिस्टोक्रेसी जो भी थी यहाँ पर तो उसको उन्होंने ही ऑपरेट किया था इन डीड इट हैज बीन अ पास टेल नाउ हालांकि अब एक अतीत का हिस्सा हो चुकी है बट इंस्टेड ऑफ बींग क्रिटिसाइज्ड दे टारगेट अस आप देखिए वो इस चीज से बचने के लिए कि उन्हें क्रिटिसाइज किया जाए इस चीज के लिए वो हमें टारगेट करते हैं हमें ही नीचा दिखाना चाहते हैं ताकि हम उन पर आरोप ना लगाए दे कॉल दिस एरिया द इमेज ऑफ इंफेरियर वो इमेज ऑफ इन्फेरियर कहते हैं हमारे एरिया को विच सजेस्ट्स दैट हाउ चीप इज़ देयर माइंड सेट जो दिखाती है कि उनकी जो मानसिकता है कितनी घटिया है दे ऑलवेज रूल्ड ब्लाइंडली विदाउट थिंकिंग एनी थिंग एंड नाउ दे फील एंड वॉन्ट टू प्रूव अस इन्फेरियर उन्होंने अंधे होकर हम प्रशासन किया बिना कुछ सोचे बिना कुछ जाने और अब वे ऐसा महसूस करते हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि हम इन्फेरियर हैं हम घटिया हैं सेड ऑल्सो मेक्स इट वेरी क्लियर वो इस बात को काफ़ी स्पष्ट करते हैं देट दे हैव डन सो इन ऑर्डर टू सो देम सेल्व सुपेरियर कि उन्होंने ऐसा किया है क्योंकि उन्हें अपने आप को बेहतर दिखाना था टू द ऑरियंट अब ये ऑरियंट क्या है तो यही जो ईस्टर्न जो कल्चर है हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो ऑरियंट है इसीलिए इस वर्क का नाम ऑरिएटेलिज्म भी रखा गया है सेड हैज गिवेन अ कंसेप्चुअल डिफिनेशन ऑफ ऑरिएियंटलिज़म उन्होंने बहुत ही अच्छी सी परिभाषा दी है ओरिएंटलिज्म की दैट इज जो हमने नीचे लिखी हुई है आइए हाँ देखते हैं ओरिएंटलिज्म इज अ स्टाइल ऑफ थॉट ये एक सोचने की शैली है विच इज बेस्ड अपॉन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओरिएंट एंड द ऑक्सीडेंट ओरिएंट और ऑक्सीडेंट के बीच में एक डिस्टिंगशन एक डिफरेंस को बताती उसी पर यह आधारित तो ऑक्सीडेंट आप समझ ही गए होंगे ये वे वे वेस्टर्न के लिए रेफर किया गया है दे सर्टेनली रेफर टू द ईस्ट एंड द वेस्ट रिस्पेक्टिवली और ये रिप्रेजेंट करते हैं रेफर करते हैं द ईस्ट और द वेस्ट को यानी ओरिएंट द ईस्ट के लिए यूज हुआ है और ऑक्सीडेंट जो है वो द वेस्ट के लिए द वेस्टर्न राइटर्स हैव ऑलवेज प्रूवड सुप्रीमेसी ऑफ द ऑक्सीडेंट वेस्टर्न राइटर्स ने ऑक्सीडेंट यानी द वेस्ट पार्ट को हमेशा सुप्रीम यानी बेहतर सुपेरियर बताया है इट इज़ अ फील्ड ऑफ एकेडमिक रिसर्च और ये एकेडमिक रिसर्च का फील्ड है विच इंक्लूड्स द ऑरियंटलिस्ट जिसमें ऑरिएटलिस्ट भी शामिल हैं द टीचर्स इन्वेस्टिगेटर्स एंड राइटर्स ऑफन ऑफन राइट अबाउट द ओरिएंट ये ओरिएंट के बारे में लिखते हैं द ईस्टर्न कल्चर के बारे में लिखते हैं इट हैड बिगन इन द एटींथ सेंचुरी और ये अट्ठारहवीं शताब्दी में शुरू हुई थी इन शॉर्ट ओरिएंटलिज्म इज अ वेस्टर्न स्टाइल फॉर डोमिनेटिंग रीस्ट्रक्चरिंग एंड पजिसिंग द ऑरियंट मतलब जिस तरह से एक डोमिनेटिंग नेचर दिखाया ऑक्सीडेंट्स ने यानी जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑथर्स हैं उन्होंने जो दिखाया उसी शैली को अपनाते हुए जो ईस्टर्न पार्ट के ऑथर्स हुए उन्होंने एक डोमिनेटिंग रवैया दिखाते हुए उनको री करने का प्रयास किया फिर से एक अच्छा इमेज बनाने का प्रयास किया किन तो का तो ऑरियंट्स का यानी जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं उनका इट इज़ अ वे टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्लेस ऑफ द ऑरियंट और ये लोग एक्चुअल प्लेस जो डिजर्व करते हैं द ईस्ट या द ईस्टर्न कल्चर उनको यहाँ पर इन्होंने प्रयास किया है उन्हें एक सही स्थान दिलाने का इट क्वेश्चंस द इलॉजिकल लॉजिकल मेड बाय द वेस्टर्न राइटर्स यानी ऑक्सीडेंट्स या वेस्टर्न राइटर्स के द्वारा जो इलाजिकल आर्गूमेंट्स डिक्लेरेशंस दिए गए हैं जो भी बातें कही गई हैं जो भी इस्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन लोगों के द्वारा उसको एक तरह से टारगेट करती है उस पर सवाल खड़े करती है दे से दैट द ऑरियंट दैट इज द ईस्ट मतलब जो ओरिएंट्स हैं जो कि ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है इज अनअल्टरेबल कि वे चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते एंड अनडिफाइंड और मतलब इनका कोई थौर ठिकाना नहीं है कुछ निश्चित कुछ है ही नहीं इनके बारे में ऐसा कौन कहते हैं जो ऑक्सीडेंट्स हैं जो वेस्टर्न ऑथर्स हैं इट इज नथिंग बट देयर फॉल्स प्रज एंड्स बस ये उनकी एक छोटी सी मानसिकता है उनका एक अहंकार है एक सोच है प्री कॉन्सैप्शन जिसको कहते हैं मिसकॉन्सैप्शन इट ऑनली कंटेंस देयर रिप्रेजेंटेशन एंड इमेजिनेशन ऑफ इन्फेरियोरिटी ये बस उनकी कल्पना में ही है वास्तविकता कुछ और ही है द ऑथर सीज दैट इट वॉज द डिसिप्लिन ऑफ द ऑरियंट्स जो ऑथर हैं इसके सेड वे कहते हैं कि ये ऑरियंट्स का अनुशासन ही है दैट दे वर एबल टू रूल ओवर एस जिस कारण से वे हम पर शासन कर पाए अगर हम अनुशासित नहीं होते तो शायद हम पर वे शासन कभी नहीं कर पाते हम जंगलियों की तरह होते हम अनसिविलाइज होते हैं जो कि वे कहना चाहते हैं हमें तो क्या कभी वे रूल कर पाते हमारे ऊपर नहीं सेड ऑल्सो अग्रीज विद द ओपिनियन ऑफ द फ्रेंच फिलोसफर एंड हिस्टोरियन माइकल फोकल वो माइकल फोकल्ट के ओपिनियन से काफ़ी ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं वो कहते हैं ही सेज दैट नॉलेज इज अल्टीमेट पावर एंड ऑल्सो द वे ऑफ गेनिंग पावर कि ज्ञान ही एकमात्र तरीका है जिससे हम सत्ता को हासिल कर सकते हैं और यही अल्टीमेट पावर है इससे बढ़कर कुछ नहीं है इससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती ज्ञान से बढ़कर देर इज़ नो डाउट दैट बोथ आर वेरी मच कनेक्टेड टू ईच अदर इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहाँ नॉलेज है वहाँ पावर भी होगा और बिना पावर का नॉलेज कभी पॉसिबल है ही नहीं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सेड स्टेट्स इन द बुक और वो अपनी बुक में कहते हैं दैट इट वॉज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉलोनियल रूल कि हम जो भी देख रहे हैं आज ये कोई कॉलोनियल रूल के वजह से नहीं हो पाया आपकी शासन के वजह से नहीं हो पाया जो वेस्टर्न लोगों ने रूल किया उसके वजह से नहीं हो पाया इट एग्जिस्टेड बिफोर कॉलोनियलिज्म ये कॉलोनलिज्म से पहले ही एग्जिस्ट करता था विच वॉज रिलेटेड टू ट्रेडिशन ऑफ राइटर्स जो राइटर्स के ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ था चाहे वो टेक्स्ट्स की बात कर ले रिसर्च या कॉन्सेप्ट जो भी दिए गए थे पहले विथ टाइम और वक्त के साथ इट हैज़ बिकम ए साइंस ऑफ नॉलेज एंड ट्रेडिशन और ये वक्त के साथ जो है एक लॉजिक बन चुका है एक सोच बन चुका है एक थियोरी बन चुका है एट लास्ट ही सेज़ दैट और अंत में वे कहते हैं ओरिएंटलिज्म इज नॉट अ फैक्चुअल नॉलेज ये कोई ओरिएंटलिज्म जो है ये कोई सच पर आधारित ज्ञान नहीं है अबाउट द ईस्ट ईस्ट के बारे में इट हैज़ ओनली इमेजिनेशन एंड प्रायर नॉलेज दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्चुअल सिचुएशन जिसका वास्तविक परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं था नॉलेज नेवर कम्स फ्रॉम इमेजनरी आइडियाज और कल्पना से कभी ज्ञान नहीं होता इट हैज़ टू बी गेन फ्रॉम फैक्ट्स इसे सच्चाई से हासिल किया जा सकता है हिस्टोरिकल डेटा ऐतिहासिक आंकड़ों से एंड एक्सपीरियंसेस और अनुभव से दीज आर थिंग्स दैट द वेस्टर्न नेवर हैड और ये चीज़ें कभी वेस्टर्न के पास थी ही नहीं इट इज़ यूरोसेंट्रिक परसेप्सन और ये बस यूरोप का ही एक थाट रहा परसेप्शन रहा दैट ओनली प्रेज इज यूरोप जो सिर्फ यूरोप की ही प्रशंसा करता है एंड इट्स कल्चर और उसके संस्कृति की इट इज़ फुल ऑफ बयाजनेस इसमें एक पक्षपात बहुत ज़्यादा है इसी से भरा पड़ा है ये एंड फॉल्ट और बहुत सारे दोष भी हैं दे नीड टू स्टडी प्रॉपरली एंड देन दे शुड स्पिट आउट एनी उन्हें पहले सही से अध्ययन करना चाहिए तभी उन्हें कुछ बोलना चाहिए और आखिर में टू कंक्लूड इट क्रिटिसाइज द एजेसिव बिहेवियर ऑफ वेस्टर्न राइटर्स एंड क्रिटिक्स ये वेस्टर्न राइटर्स और क्रिटिक्स के बिहेवियर को क्रिटिसाइज करता है उनका जो तौर तरीका है इट ऑल्सो टीचेज डेवोलेशन ऑफ बींग ऑनेस्ट या उन्हें एक सबक भी सिखाता है जिसमें उन्हें कहा जाता है कि आप ऑनेस्ट होइए ईमानदार रहें प्रैक्टिकल यानी काफ़ी प्रायोगिक फैक्चुअल एंड अनबयास्ड यानी बिना किसी पक्षपात के दिस इज द रीजन दैट ही अर्जेज टू ऑल ऑफ अस वे हम सबों से रिक्वेस्ट करते हैं दैट दे ओनली नो हाउ टू प्रूव अदर्स इन्फेरियर कि उन्हें बस यही पता है कि दूसरों को कैसे इन्फेरियर यानी घटिया दिखाना है बट इट नेवर प्रूव्स डैट दे आर सुपेरियर लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं हो पाता है ये साबित नहीं हो जाता है कि वे बेहतर हैं दे मस्ट बी डे ड्रीमिंग वाइल्ड राइटिंग शायद उन्होंने सपने में ख्याल दुनिया में रह कर ये सब चीज़ों को लिखा है सच टाइप ऑफ वर्क इस तरह के वर्क को इनकाउंटर्स देयर इलिसिट व्यूज ये उनके फालतू से विचारों को इनकाउंटर करना मतलब उनको आर्ग्यू करना उनको फेस करना एंड ऑल्सो रिस्पॉन्स दैम उनका जवाब भी देते हैं फॉर बींग इॉजिकल और उन्हें इ लॉजिकल कहते हैं बिना किसी तर्क का एंड इग्नोरेंट और अज्ञानता से भरा हुआ ओवरऑल द वर्क हैज़ अ कंप्लीट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंसिबिलिटी एंड सेंसियरिटी इसमें इस वर्क में, इस में आप ओरिएंटलिज्म में देख सकते हैं किस तरह से पोएट ने आ, जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है और सेंसिबिलिटी काफ़ी संवेदनशील होकर भी इसे लिखा है और सेंसियरिटी और ईमानदारी भी आप देख सकेंगे सो दैट वॉज अबाउट इट आई होप ये डिफ़िकल्ट ज़रूर है बट आप समझ पाए थैंक्स फॉर वॉचिंग